अजीज कुलबाव तालिबात, मैं हूं आपका दोस्त राजा पटेल, पटेल सर, और मैं आज आपके लिए लाया हूं प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक फ्रेश माइनॉरिटी स्कॉलरशिप फॉर्म किस तरह भरे। तो चलिए देखते हैं मेरा ये अगला वीडियो। चलिए आप जानते हैं मोबाइल से किस तरह से फ्रेश माइनॉरिटी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म हम भरेंगे। सबसे पहले अपना जो क्रोम ब्राउजर है उसे क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद वहां पर NSP टाइप कीजिए। NSP टाइप करने के बाद हमको एक नई गूगल से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये वेबसाइट हमारी शुरू होगी, और यहां पर हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ये साइट को हम ओपन करेंगे। साइट ओपन होने के बाद यहां पर आप देखिए कि किस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, ये लॉगिन है और ये न्यू रजिस्ट्रेशन है। तो हम यहां पर फ्रेश भर रहे हैं, फ्रेश स्कॉलरशिप भर रहे हैं, इसलिए हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम क्लिक करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। अब यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब जो है वो शुरू हो गया, एक नई वेबसाइट हमारे पास यहां पे शुरू हो गई। ये सभी हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद हमको आई एग्री टू फॉलो, ये इसको हम तीनों भी यहां पे टैग मार्क करेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़े बन रहे हैं, मुझे कमेंट्स में ऐसे भी आया था कि वीडियो बड़े हो रहे हैं सर आपके। तो फिर उसके बाद तीनों को हम चेक मार्क करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद मैं आपको बता दूं कि यहां पे हमको तीन चीजें होना जरूरी है। एक है हमारे स्टूडेंट का पासबुक, एक है उसका आधार कार्ड, और तीसरा उसका बैंक उसका रिजल्ट। ये तीनों चीजें हमारे पास होना है, और उसके साथ साथ हमारे स्टूडेंट का मोबाइल फोन भी होना है। तो स्टूडेंट का मोबाइल भी हमारे साथ में यहां पर होना है। तो हम यहां पर देखेंगे, सबसे पहले है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, हम महाराष्ट्र के रहवासी हैं इसलिए हम यहां पर महाराष्ट्र को चॉइस करेंगे। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप कैटेगरी, अब हम उसमें प्री मैट्रिक भर रहे हैं या पोस्ट मैट्रिक भर रहे हैं, तो हम चलिए हम प्री मैट्रिक भर रहे हैं। यहां पर हम तीसरे टैब में हम नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो नाम स्टूडेंट का जो नाम आधार कार्ड में है, आधार कार्ड में जो नाम है हम उसको टाइप करेंगे। तो चलिए हमने ये हमारे स्टूडेंट का नाम टाइप कर लिया। स्कीम टाइप, ये स्कॉलरशिप है तो स्कॉलरशिप हम यहां पे चूज करेंगे। अब हमको हमारे स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ चॉइस करना है। उसके बाद उसका जेंडर, मेल फीमेल। फिर उसके बाद यहां पर हमको मोबाइल नंबर डालना है स्टूडेंट का, यहां मोबाइल नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद हम यहां पे बैंक का IFC कोड डालेंगे, जैसे मैं यहां पर हमारी बैंक का IFC कोड डाल रहा हूं। IFC कोड को कंफर्म करेंगे, दोबारा उसको डालेंगे। उसके बाद यहां पर हम बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे, यानी हमारे स्टूडेंट का बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे। तो अब मैं यहां पर अपने स्टूडेंट का बैंक का अकाउंट नंबर डालूंगा। फिर बैंक का अकाउंट को कंफर्म करना होगा, वही अकाउंट दोबारा हमको डालना होगा। अब यहां पे बाय डिफॉल्ट हमारे बैंक का नाम आ जाएगा। अब यहां पर हमको आइडेंटिफिकेशन डिटेल देना है, तो हम दो तरीके से हमारा स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन डिटेल दे सकते हैं। उसमें हम आधार कार्ड या बैंक का अकाउंट नंबर, हम आधार कार्ड देंगे तो हमको आधार कार्ड नंबर यहां पर फिल करना होगा। अगर हम बैंक का अकाउंट देंगे तो बैंक का हमको पासबुक का जो है स्कैन करके हमको उसमें अपलोड करना होगा। तो बेहतर है कि हम बैंक आधार नंबर हम दें। अब यहां पर उसके बाद हमको
ये जो नीचे दिया हुआ कैप्चा है, ये कैप्चा हमको यहाँ पर भरना होगा, और एज इट इज जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चेक मार्क करेंगे, और चेक मार्क करने के बाद हम रजिस्टर करेंगे। अब हम पूरा फिलअप करने के बाद हमको यहाँ पर स्टूडेंट जो है हमारा वो रजिस्टर हो चुका है और उसका एप्लीकेशन आईडी भी आ चुका है, तो हम इसको यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर उसका एप्लीकेशन आईडी हमको डालना होगा, इसलिए पहले का पहले हमको कहीं लिखकर रखना होगा एप्लीकेशन आईडी। पासवर्ड जो फर्स्ट टाइम पासवर्ड है वो पासवर्ड स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ रहेगी। कैप्चा हमको यहाँ पे फिलअप करना होगा, फिर हम यहाँ पर हमने जो मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल पर हमको 5 डिजिट्स ओटीपी आएगा, तो यहाँ पर आया हुआ है ओटीपी और वो आधे घंटे के लिए वैलिड होता है, तो हम उसको क्या करेंगे यहाँ फिलअप करेंगे, फिर उसके बाद कंफर्म ओटीपी करेंगे। तो चलिए इस तरह से हमारा यहाँ पर फॉर्म शुरू हो गया। अब हम यहाँ पर हमारा जो पासवर्ड है वो पासवर्ड हम चेंज करेंगे, हमारे सहूलत के हिसाब से हम यहाँ पर पासवर्ड को बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड चेंज करता हूँ, मुझे जो चाहिए वो पासवर्ड मैं चेंज करूंगा और उसको मैं लिखकर रख लेना है आपको। दोबारा जो पासवर्ड हमने पहले डाला था वही हम फिर से भरेंगे और से सबमिट करेंगे। यहां पर अब हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है, अब हम इसको फॉर्म को मुकम्मल यहां पर भर सकते हैं। यहां पर हम हमारा फॉर्म भरेंगे, जो मालूमात हमने पहले यहां पर दी है वो मालूमात बाय डिफॉल्ट यहां पर आ जाएगी। अब हम यहां पर बाकी की जो मालूमात है वो भरेंगे, रिलीजन भरना है, कम्युनिटी भरना है, ओबीसी एससी एसटी हैं तो, और उसके बाद यहां पर आप आपको फादर नेम भरना है। अब यहां पर फादर नेम, उसके बाद मदर नेम यहां पर आप भरेंगे, एनुअल इनकम जो भी आपका एनुअल इनकम है वो यहां पर आपको भरना है, डे स्कॉलर ही है इसलिए हम वही रखेंगे, एकेडमिक, चूज योर ऑप्शन, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है, और उसके बाद हमको यहां पर हमारा इंस्टीट्यूट लेना है। यहां पर इंस्टीट्यूट की लिस्ट आएगी, इस लिस्ट से हमको हमारे स्कूल का यूडाइज नंबर याद होना है, हम अगर यूडाइज नंबर अगर हम लेंगे तो हम डायरेक्ट हमारे स्कूल के यूडाइज नंबर को टाइप करेंगे तो हमको हमारे स्कूल मिल जाएगा, उसे क्लिक करेंगे और उसे सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारा एकेडमिक ईयर में हमने हमारा इंस्टीट्यूट सिलेक्ट किया, प्रीवियस क्लास जो भी है वो हम यहाँ पर, प्रेजेंट क्लास यहाँ पर पहले हम डालेंगे, फिर उसके बाद प्रेजेंट क्लास का हमको डेट डालना है, तो डेट जो है वो 15 जून ही रहेगी। फुल टाइम यहाँ पर रहते हैं इसलिए फुल टाइम रहेगा, रेगुलर स्टूडेंट है इसलिए रेगुलर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास जो है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आएगी, प्रीवियस पासिंग ईयर, तो हम यहाँ पर पासिंग ईयर जो है वो 2020 डालेंगे, प्रीवियस क्लास परसेंटेज, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में है, तो यहाँ पे लमसम वो A1 कैटेगरी में है, तो हम उसका A1 जो है 92 100
A1 कैटेगरी हम 9200 में हम क्या करेंगे, अबाउ 91 हम डाल देंगे। क्वालिफाइड एनी एग्जामिनेशन नो, यहां पर हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। फिर उसके बाद यहां पे अदर डिटेल्स में हम भरेंगे, ऑर्फन नो, गार्डियन कोई नहीं है। फिर उसके बाद डिजेबल भी नो है। चूज योर ऑप्शन, डिजेबिलिटी के बारे में हमको लिखना है। अगर यहां पर हम डिजेबल यस करते हैं तो हमको यहां पूरा भरना होगा, वरना नो करते हैं तो हमको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, पैरेंट प्रोफेशनल, पैरेंट्स क्या करते हैं वो जो भी काम करते हैं वो यहां पर हम क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब यहां पे हमको हमारे स्टूडेंट का और हमारा एड्रेस यहां पर हमको डालना है। तो हम जिला जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट चॉइस करेंगे, फिर उसके बाद ब्लॉक भी उसमें उसी में से हम चॉइस करेंगे। हाउस नंबर जो भी है, फिर पिन कोड डालेंगे और प्री मैट्रिक पर हम क्लिक करके इसे, यहां पर भी हमको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। यहां पर कुछ सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं, लेकिन वो अगर हमारा स्कॉलरशिप अमाउंट जो है 50,000 से ज्यादा होती है तो हमको वो यहां पर करना होगा। सेव एज हम ड्राफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप, जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फ्रेश, हमारे मोबाइल से हम इस तरह से भरेंगे। अब यहां पे हमको प्रिंट भी मिल जाएगी, लेकिन चूंकि मैंने इसे ड्राफ्ट में प्रिंट ड्राफ्ट में उसको सेव किया है, इसलिए मुझे यहां प्रिंट नहीं मिलेगी। वरना अगर प्रिंट हमको चाहिए तो हम यहां से प्रिंट जो है हम यहां से ले सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारा आसानी के साथ हमारे अपने मोबाइल से हमारा फ्रेश प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हम NSP पर भर सकते हैं। शुक्रिया।